अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट बी का क्वेश्चन है सीएसआईआर नेट दिसंबर 2018 का। लेट एक्स बी द रियल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट को आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे जहां पर इनकरेक्ट और फॉल्स ऑप्शन गिवन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज समेशन m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x टू द पावर m बिलोंग्स टू क्यू। If summation m is greater than or equal to 0, x की पावर m belongs to q, this implies x belongs to q. If x does not belongs to q, then this summation is not in q. Fourth one है, summation x to the power m by m converges in r. तो आपको false statement choose करना है। आइए इसका पहले meaning समझते हैं कि इसका meaning क्या है। m is greater than or equal to 0, x की पावर m. तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले जीरो पुट करते हैं, देन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक आपको सीरीज मिलेगी, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और आपको गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो ये सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी। ये कहां कन्वर्ज करती है, ए अपॉन 1 - r पे, a अपॉन 1 - r, a यहां पर होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो हियर इज x, तो दिस कन्वर्जेस टू 1 - x। अब देखिए, अब उसने बोला है कि इफ x बिलोंग्स टू q, दिस इंप्लाइज दिस समेशन बिलोंग्स टू q, तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस बिलोंग्स टू q इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू q। अगर x रैशनल होगा तो ये समेशन हमेशा रैशनल आएगा, बट अगर ये समेशन आपका इरेशनल हो गया तो ये जो x है वो आपका इरेशनल आएगा। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो जो फर्स्ट और सेकंड केस है दोनों ही सेम कंडीशन है, अगर x q से आएगा तो ये समेशन q में होगा और अगर ये समेशन q में है देन x मस्ट बी इन q। तो दिस टू स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन ऑप्शन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पार्ट बी का क्वेश्चन है, अगर आपके तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए तो आपको जो चौथा ऑप्शन है वो चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थर्ड से पहले फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन में डिफाइन है समेशन एक्स की पावर एम बाय एम, क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। आप देख सकते हैं दिस, अगर मैं इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं तो लिमिट एम टेंड्स टू इंफिनिटी am प्लस 1 अपॉन am का मॉड, ये मॉडुलस में इसलिए चेक कर रहा हूं कि अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। एब्सोल्युटली चेक करते हैं, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट इज am प्लस 1, दिस इज सिंपली x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इनटू व्हाट इज am, am इज m upon x to the power m, as m tends to infinity, limit m tends to infinity, this is simply x and this is 1 plus 1 by m, this converges to x, क्योंकि ये आपका m पे चलेगा, ये आपका 1 पे चले जाएगा और आपको given है mod of x is less than 1, इसका मतलब क्या हुआ, limit a m plus 1 upon a m is strictly less than 1. So according to ratio test, the given series is convergent. Moreover, it is absolutely convergent. So ye absolutely convergent ho jayegi, to convergent ho jayegi. So this option is also true option. So yahan par aapke teen option true ho chuke hain. So agar question sahi hai, to third one option must be false option. इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ये आपका लिए बेनिफिट है कि पार्ट बी में आप कोई से भी तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड करो और एक को राइट कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।